नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आप सुन रहे हैं सतरंगी सफर आरजे विनोद के साथ। शामे बुधवार में वक्त हो चला है 8 बजे का और शुरू हो चुका है आपका अपना इंद्रधनुषीय कार्यक्रम सतरंगी सफर। हाजिर है हम आरजे विनोद, कीजिए स्वीकार नमस्कार। YOGA करें योगा, योगा शरीर को रखें स्वस्थ, रोज करें एक्सरसाइज और कसरत, मॉर्निंग वॉक करें और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें। दोस्तों, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो आप मेडिसिन से रहेंगे बहुत दूर, ना होगी दिल की बीमारी, ना होगी घुटनों की बीमारी, हर बीमारी से हर रोग से रहेंगे आप निरोग। तो निश्चित रूप से करें योगा। जी हाँ, मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आगामी 21 जून दिन रविवार को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी इसमें शामिल हों और अपने अन्य साथियों को भी इसके लिए जागरूक करें और निश्चित रूप से योगा को बढ़ावा दें, और केवल उस दिन ही नहीं हर रोज करें योगा। मौसम है बहुत सुहावना, इस सुहावने मौसम में हम आपके लिए यह नायाब तोहफा लाए हैं, इसलिए यह मधुर गीत तो बनता ही है। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना सपना ये सपना ये सपना दे
दिल में सजाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं हम यार हैं यारों के निभा देंगे यारी क्या समझे बच्चे हम यार है यारों के निभा देंगे यारी यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी अपना तो दिल है सादा फिर भी है अटल इरादा है जान से प्यारा वादा वादा कभी न तोड़ेंगे जी 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 हम यारों का साथ न छोड़ेंगे जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे सहारे 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 यारों के पाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं बड़ी दूर अपनी कलात्मक सोच और स्वभाव से जाने जाने वाला व्यक्ति जिसने कूड़ा करकट इकट्ठा कर अपनी कला के माध्यम से एक ऐसा नायाब गार्डन तैयार किया जिसे रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है यह भारत के राज्य हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेक चंद जी की, जो कि 12 जून दिन शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। वैकुंठ धाम को प्राप्त यह व्यक्ति भारत को एक ऐसा नायाब तोहफा देके गया है जो कि निश्चित रूप से देश के ही नहीं विश्व के हर पर्यटक के दिल में राज करेगा और यादगार बना रहेगा। आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने यह कार्य कैसे शुरू किया और कैसे आगे बढ़ाया। मैंने एज ए हॉबी शुरू किया था, इस पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, देवी देवताओं की नगरी मैंने क्रिएट करनी शुरू की थी। जितने पत्थर हैं उनमें लाइफ नजर आती है तो सब देवी देवते नजर आते हैं उसमें। जब मैं 22-23 साल का था जब मैंने शुरू किया इसको, तो इसको 5 बजे यहाँ आ जाना मैंने, तो दिन को जब छुट्टियां छुट्टियां भी होनी, जब टाइम मिलना तो पत्थर इकट्ठे करके ले आने, साइकिल पे ढो लेने, तो यहाँ मैं फेंकता रहा। जब काफी मटेरियल इकट्ठा हो जाना फिर उसके ऊपर आइडिया बनाना, तो फिर काम शुरू करना। वेस्ट मटेरियल इधर उधर काफी तादाद में ढेरों के ढेर पड़ा होता था, तो मेरे मन में आया कि चलो इसको थोड़ा देखो तो सही, इसको इस्तेमाल करें तो अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर कर लेंगे। तो एक चीज बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, तो वो मुझे अच्छी लगने लगी। इसी तरह जो भी मटेरियल मुझे इर्द गिर्द वेस्ट मिला करता था, ये क्राकरी मिलती थी ज्यादा, सेंट्री वेयर और चूड़ियां थी और भी कई चीजें थी जो इस्तेमाल में की हुई है मैंने, तो इनको मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यहाँ बनाना शुरू कर दिया। कई साल मैं बनाता रहा, फिर सरकार को जब पता चला, उसकी जंगल क्लियरेंस करने लगी सरकार, उनको पता चला तो उन्होंने फिर मुझसे ये ले लिया और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर ये सरकारी हो गया। तो फिर पब्लिक के लिए 76 में इसको खोल दिया गया। अभी तो मेरे पास साधन बड़े हैं ना, उनको तो मैं अकेला किया करता था, छुट्टियों में मेरी फैमिली भी आ जाती थी, ऐसे चलता रहा। इस वर्ष 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएं जो भरपूर गर्मी में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए निश्चित रूप से अपना ऑन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे और इंतजार होगा उन्हें अपनी एडमिशन लिस्ट का, और इस सुहावने मौसम में वह अपने नए नए दोस्त भी बना रहे होंगे, गर्ल्स फ्रेंड, बॉयज फ्रेंड,
लेकिन निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखें कि निराशा अपने अंदर कोई भी छात्र छात्राएं ना लाएं, क्योंकि अगर आपके इच्छा के मुताबिक कोई कॉलेज ना मिल पाए या फिर आपकी इच्छा अनुसार कोई विषय ना मिल पाए तो आप निराश ना हो, अन्य विषय को चुने, अन्य कॉलेज को चुने। आप अपनी मेहनत से उसे अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपकी फोन कॉल ना उठाएं, तब भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जब आप पढ़ाई करते हैं तब आपको देनी होती है परीक्षा, और परीक्षा से घबराकर कभी कभी ईश्वर से आप ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं, वो कैसे जानेंगे इस काव्य में। दुख सुख लाभ हानि ये सब परिवर्तनशील है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। हमेशा आदमी गरीब नहीं रहता, हमेशा अमीर नहीं रहता। हमने वो दिन देखे हैं जब खाने को रोटी का इंतजाम नहीं होता था दूसरे दिन का, आज ठीक है ईश्वर की कृपा होती है तो हमेशा एक स्थिति नहीं। लेकिन कभी भगवान को दोष नहीं देना, भगवान से कहना कि जो दे रहा है वो ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर तेरा धन्यवाद है, भाग्य को मत कोसना। और जब भी देखें आप अपने से नीचे की ओर देखना, आपको लगेगा कितने करोड़ लोग, कितने सौ करोड़ लोग आपसे बुरी अवस्था में जी रहे हैं। तो आपको ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, ईश्वर के प्रति धन्यवाद, ईश्वर के प्रति अवभाव पैदा होगा। अगर आप अपने से ऊंचे लोगों की तरफ देखोगे ईर्ष्या पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, दुख पैदा होंगे। इसलिए भगवान को दोष न देना, जो मिले उसको सहज रूप में स्वीकारना, ये मेरे जीवन अनुभव का छंद है। और मैं ईश्वर से कह रहा हूँ छंद में, देखे आप कि दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूँ मैं। दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू तूने दिए आंसू पिए जा रहा हूँ मैं। दुख तूने दिए मैंने कभी ना शिकायत की, सुख दिए तूने सुख लिए जा रहा हूँ मैं, सुख दिए तूने सुख लिए जा रहा हूँ मैं। पतित हूँ मैं तो तू भी तो पतित पावन है, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूँ मैं। मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूँ मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूँ। बचपन में खिलौने जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है, संपत्ति में साथ देने तो हजारों आ जाते हैं, विपत्ति में प्रभु का मनन साथ देता है, विपत्ति में प्रभु का मनन साथ देता है। तन स्वस्थ रहे तो ये मन भी ना होता पस्त, मन मस्त रहे तो ये तन साथ देता है। हिम्मत के हथियार हाथ से जो खिसके तो तन साथ देता है ना मन साथ देता है। जो वर्ष भर पढ़ा नहीं बेचारा, परीक्षा से पहले दिन भगवान के मंदिर में जाकर अपना दुख प्रकट कर रहा है, शायद आपने भी कभी ऐसा किया हो। अब भी विद्यार्थी रहें, देखिए बड़ी सरल सी रचना है। हे प्रभु इस दास की इतनी मैंने सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तू कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया इजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना उसे, लिखकर उसे अपनी सोचना। टाए 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 रोज रटता हूँ प्रभो, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभो, भाग में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता था, कि रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को, क्या करूं और शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी शेक्सपियर दिख जाते हैं मुझे। गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता। अक्ल अलजबरा हमारी जाएगा जड़ से पचा, तीन में से छह गए तो और क्या बाकी बचा। ना सो इतिहास का सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए।
शाहजहां बाबर हुमायूं और अकबर आप था कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। भूगोल में गत वर्ष आया गोल है कैसे धरा और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है पूरी कचोरी उप पापड़ गोल है, गोल है पूरी कचौड़ी पुप पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए हे मास्टर जी ये घरा भी गोल है। गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए हे मास्टर जी ये घरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से और कॉपी पर उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है जावाद नंबर भी तुम्हारा गोल। क्या पढ़ूं हिंदी मजा इसमें मुझे आता नहीं, लाख शीर्षक जोड़ता हूँ कुछ समझ पाता नहीं, गद्य होया पद्य दोनों काल है मेरे लिए, ये व्याकरण सबसे बड़ा जंजाल है मेरे लिए, हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया। राम रामो राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं तुम आई रच गच कचु मरम, अंड मंडम चंड खंडम रुंड मुंड चटापटम चट्टे रोटी पट्टे दालम चटपट सभा चटम। यह परीक्षा का समय जो जो निकट आने लगा, पुस्तकों में एक वस्तु ही नजर आने लगा, छोड़कर सारे सहारे आ गया हूँ द्वार पर, मार घुसा लात थप्पड़ किंतु बेड़ा पार कर, मार घुसा लात थप्पड़ किंतु बेड़ा पार कर, थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता। भगवान की करुणा प्राप्त करना चाहता है, आपने सुदामा की रक्षा की थी, वो मेरे पूर्वज थे, मैं उनका वंशज हूँ, आपका फर्ज बनता है तो वंशज की भी रक्षा करें, भगवान को समझा रहा है। थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता, मेरे पिता मह के पिता मह के पिता मह के पिता, हे दया में हर तरह से मैं दया का पात्र हूँ, नाम है विश्वास मेरा आठवीं का छात्र हूँ। साडा फोन का तो नहीं है।
हैं सतरंगी सफर आजे विनोद के साथ। श्रोताओं कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हों तो राह कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है तमिलनाडु की एल एन बानो ने, जिनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। इस सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाली वह देश की प्रथम दृष्टिहीन महिला बन गई हैं। एल एन बानो ने अपनी दृष्टिविहीनता की हर बाधा को दूर करते हुए इस सर्विस में सिलेक्शन पाया है। वह 2014 से इंतजार रत थी और इनका इंतजार पूरा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी नीतियों के कारण। हम सभी एल एन बानो को बहुत बहुत बधाई देते हैं अपनी ओर से और रेडियो उड़ान की टीम से भी। निश्चित रूप से इस घटना से दृष्टिहीन समाज गौरवान्वित हुआ है। एल एन बानो को 2 माह के अंदर यह सेवा ज्वाइन करनी है। नवभारत टाइम्स में पढ़ने के बाद यह ज्ञात हुआ है कि एल एन बानो इस सूचना के बाद जल्दी से जल्दी दिल्ली आकर यह सेवा ज्वाइन करना चाहती हैं। एल एन बानो की पोस्टिंग देश विदेश कहीं भी की जा सकती है। बहुत बहुत बधाई एल एन बानो, सलाम सैल्यूट। अब हम बात करते हैं 11 जुलाई 1923 में जन्मी, 24 नवंबर 2003 में 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद दुनिया से अलविदा कह गई पहली फिल्म इंडस्ट्री की फीमेल कॉमेडियन, जिसे दिलीप कुमार ने टुनटुन नाम दिया और नौशाद जैसे संगीतकार ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। आइए जानते हैं हम उमा देवी खत्री उर्फ टुनटुन की फिल्मी दास्तान के विषय में। नाम रखा गया उमा देवी खत्री और फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया इन्हें टुनटुन। कैसे उमा देवी खत्री बनी भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल कॉमेडियन टुनटुन, ये दास्तां शुरू होती है। उमा देवी का जन्म 11 जुलाई सन 1923 में हुआ था। हाय लालीपा। उमा देवी बहुत छोटी ही थीं जब इनके माँ बाप गुजर गए और तब इनके चाचा ने इनका लालन पालन किया एक छोटे से गांव में जो मथुरा से थोड़ा सा आगे है। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और उमा को भी स्कूल नहीं भेजा गया। नन्ही सी उमा खेलती गाती कूदती रेडियो जरूर सुनती थी और रेडियो में जब म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम बताए जाते, गायक गायिकाओं के नाम बताए जाते तो ये गाने के प्रति बहुत आकर्षित होती। कलम है दबात है, दिन है ना रात है, कलम है दबात है, दिन है ना रात है। किस्मत वाकई आगे आगे चलती है। उमा देवी एक छोटे से गांव से पहुंच गई मुंबई। ये कैसे हुआ ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। उमा की एक सहेली थी जो दिल्ली से अपने गांव वापस आई। वो पढ़ी लिखी थी और उसके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे खासे कनेक्शंस थे। उस सहेली ने मुंबई के कई डायरेक्टर्स को चिट्ठियां लिखी और सन 1946 में 13 साल की उम्र में उमा देवी खत्री ट्रेन पकड़कर बंबई भाग आई। मुंबई शहर में इनकी दोस्ती हुई एक्टर डायरेक्टर अरुण आहूजा से और गायिका निर्मला देवी। अरुण आहूजा और निर्मला देवी बड़े ही मशहूर सुपरस्टार गोविंदा के माँ बाप थे। इस दंपत्ति ने उमा का परिचय बहुत सारे प्रोड्यूसर से करवाया और फिर एक ऐसा मौका आया जिसने उमा देवी खत्री की जिंदगी बदल के रख दी। मुलाकात हुई उमा की महान संगीतकार नौशाद से। उमा बोलने में हमेशा सही तेज थी। बोलते है ना, जोनी ने दरवाजा खोला और बोला, आपके खटखटाने के कितनी देर बाद दरवाजा खोला? पूरे 5 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला। That's all, my lord. नहीं नहीं, तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया। उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना। दारोगा मिला दारोगा। उमा गायिका बनना चाहती थी और इनके अभी टुनटुन बनने में जरा वक्त था।
नौशाद साहब से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे गाने का मौका नहीं दिया तो मैं आपके बंगले के सामने जो समंदर नजर आता है उसी में कूद जाऊंगी। नौशाद साहब ने कहा गाना गाओ। इन्होंने गाना सुनाया और फिर नौशाद साहब ने पूछा कि मालूम है इसका सुर क्या है। उमा पढ़ी लिखी तो थी नहीं और शौकिया गाते गाते एक अच्छी आवाज इसने बना ली थी, तो सुर का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। पर नौशाद साहब ने करदार फिल्म में इनकी नौकरी लगवा दी और 500 रुपए पेशगी भी दिलवा दिए। गायकी की दुनिया में ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। इनके गाने भी मकबूल हो रहे थे, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जो कि सुरैया पे फिल्माया गया था। और ये कौन चला मेरी आँखों में समा कर, मेरी आँखों में समा कर, मेरी रग रग में समा कर, ये कौन चला। ये सभी गाने मकबूल जरूर हुए पर नौशाद साहब ने कहा कि देखो अब नई गायिकाएं आती जा रही हैं, ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं तुम एक्टिंग में भी कोशिश करती हो। तब भी उमा देवी ने शर्त रखी कि एक्टिंग करूंगी तो दिलीप कुमार के साथ ही करूंगी। नौशाद साहब जोर जोर से हंसने लगे, पर ये इंतजाम भी हुआ। दिलीप कुमार साहब से बात की गई और इन्हें सन 1950 की फिल्म बाबुल में एक रोल दिया गया। मैडम अभी हमारा बारी आने वाला है। मैंने कहा ना यहाँ से बात मत कर। तुम यहाँ बात नहीं करेंगे तो हम उस पिंजरे में बात नहीं करेंगे। हाँ मेरे को अभी मांगता है उदार। रोल ऐसा था कि उमा देवी दिलीप कुमार के पीछे भाग रही हैं और भागते भागते ये चारपाई पे गिर जाते हैं। दिलीप कुमार इनके ऊपर गिर जाते हैं और वहीं पर शॉट कट कर दिया जाता है। इसके बाद दिलीप कुमार ने ही सुझाया कि इस लड़की का नाम टुन टुन रख दिया जाए और यहाँ से उमा बन गई टुन 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 और बिटिया टुन टुन। उसके बाद तो गुरुदत्त साहब की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में इन्होंने कमाल कर दिया और फेहरिस्त इतनी लंबी है कि क्या कहा जाए। टुनटुन इतनी मशहूर हो गई कि हिंदुस्तान में किसी भी मोटी औरत को देखकर लोग यही कहते हैं कि देखो टुनटुन आ रही है। चाहे इमोशनल रोल रहे हों या फिर कॉमेडी के, टुनटुन ने कमाल कर दिया। चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रहा हो या फिर कलर्ड सिनेमा, हर दौर में टुनटुन ने अपना एक अलग मकाम बनाए रखा। क्या के रख दी? यू इडियट, साला बदमाश, हम पूछता तुम इधर झांक झांक के क्या देखता था? बोल, ठीक है, देख खूब आगे खोल के देख, फिर तेरे को लाइफ में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्या अंधा हो जाएगा? नहीं तुम अंधा नहीं होगा, ये सब लड़की लोग मिलके तेरा चटनी बनाएगा। उसके अंदर लहसुन जरूर डालेगा। लहसुन क्या, हम प्याज भी डालेंगे साला। इनके निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो पता चलता है कि जब इन्होंने गाना गाया था अफसाना लिख रही हूँ, तब दिल्ली से एक महाशय इनके गाने से इतने मुतासिर हुए कि वो मुंबई में ही आके रहने लगे, इनके दीवाने हुए और फिर इन्होंने शादी कर ली। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। अरे विजय तुम, मैं तो पहचान भी नहीं सकी तुम्हें। ये बच्चे तुम्हारे हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। इनके पति जिन्हें ये मोहन के नाम से पुकारती थी सन 1992 में गुजर गए। टुनटुन ने बड़े से बड़े फिल्म मेकर के साथ काम किया, बड़े से बड़े स्टार के साथ काम किया, और कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जहां पर टुनटुन ने अपने किरदार को यादगार ना बना दिया हो। सन 2003 में मुंबई के अंधेरी इलाके में 24 नवंबर को टुनटुन ने यह दुनिया छोड़ दी। एक लंबी बीमारी के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उम्र 80 बरस थी। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में उमा देवी खत्री उर्फ टुनटुन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अब ताना लिख रही हूँ। जब
श्रोताओं, राजनीति में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो देश की दिशा दशा बदल जाती हैं। 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उनकी इस ऐतिहासिक जीत को चुनौती दी उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह जी ने। इस मुकदमे को जाना गया इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस के नाम से। अब से 40 वर्ष पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के उस चुनाव को रद्द कर दिया। क्या थे उसके न्यायिक पहलू, क्या था वह फैसला? जहां तक इस ऐतिहासिक मंचन को सुनकर मैं जान पाया हूं कि बहुत ही मनमाने तरीके से लगाया गया था आपातकाल। अब आप ही सुनकर समझ पाएंगे कि यह घटनाएं किस तरह से घटी। 40 साल पहले की बात है। 12 जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। ये वो ही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद भी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को 1,11,810 वोटों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन राज नारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। पर जब नतीजे आए तो राज नारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राज नारायण चुप नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अपील की कि चूंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया है, साथ में वोट खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी मुकदमे में फैसला सुनाने जा रहे थे। जस्टिस सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैंबर से कोर्ट रूम में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राज नारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। कोर्ट में बैठे सभी लोग सन्न हो गए। मतलब साफ था, इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो रहा था। इधर नई दिल्ली में समाचार एजेंसियों के टेलीप्रिंटर चल रहे थे। एक प्रिंटर प्रधानमंत्री के चैंबर में था। लगभग 10 बजे UNI के टेलीप्रिंटर पर फ्लैश निकल रहा था, मिसेस गांधी अनसीटेड। उधर
इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुना चुके थे। राज नारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। फैसले के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के 123 के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया था। राज नारायण की ओर से जिरह कर रहे थे शांति भूषण। मार्च 1975 का महीना, जस्टिस सिन्हा की अदालत में दोनों ओर से दलीलें पेश होने लगी। चुनाव के दौरान रायबरेली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे राम रक्ष पाल को तैयार करते हैं। एक बस सरेनी ब्लॉक की तरफ से आई, मजिस्ट्रेट होने के नाते राज नारायण जी ने मुझे इंगित करके कहा कि ये फर्जी वोटर्स हैं, और मैंने तुरंत उस बस को लालगंज थाने में ले जाकर और सबसे पहले उसके बयान लिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसने कहा कि मैं घुमाने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई ज्योग्राफिकल प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस, इस टाइप की कोई इस एरिया में हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो चुप रहा। तो मैंने फिर उसके सारे पेपर्स लेके जो पैसेंजर्स उसमें थे सबको थाने में बंद कर दिया। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और राज नारायण जी खुश होकर चले गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का फरमान जारी किया। तारीख तय हुई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल यह था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही खड़े होने की परंपरा है, पर जब प्रधानमंत्री सामने हो तो। शांति भूषण बताते हैं कि उस दिन किस तरह से अदालत लगी थी। जिस दिन इंदिरा गांधी आने वाली थी, उस दिन इंदिरा गांधी के कोर्ट में घुसने से पहले जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि देखिए अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री कोर्ट में आए तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस समय पासेस से एंट्री उस कोर्ट रूम में थी, 12 पासेस उन्होंने दोनों पार्टी के सीनियर एडवोकेट्स को दिए थे। खरे साहब को 12 पासेस के, तुम नॉन लॉयर्स को 12 को जिसको चाहो बुला लो पास, मुझको भी दिए थे 12। तो जब इंदिरा गांधी आई तो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन खरे साहब की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुछ ना खड़ा हो, तो वो आधे खड़े हो गए। ये भी ना समझा जाए कि खड़े हो गए, ये भी ना समझा जाए कि नहीं खड़े हुए। तो वो सब हम सब ने नोटिस किया। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि अदालत का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हुई। शांति भूषण कहते हैं, ये तो बाद में पता लगा हमें। इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे डॉक्टर माथुर, उनकी रिश्तेदारी थी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जस्टिस डीएस माथुर से। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने उसके बहुत बाद मुझे गोल्फ कोर्स में बताया कि एक दिन जस्टिस डीएस माथुर चीफ जस्टिस अपनी पत्नी को लेके जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ घर पे आए जब फैसला सुरक्षित था, और इनसे ये कहा कि भाई इस केस के फैसले के बाद मुझे ऐसा पता लगा है कि तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। इशारा था कि अगर तुमने उनके पक्ष में फैसला किया तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाना पक्का है। तो ये एक लालच देने की कोशिश हुई, लेकिन जस्टिस सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जन प्रतिनिधित्व कानून में इसका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था। इन्हीं 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाई कोर्ट जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की खबर लगते ही प्रधानमंत्री आवास पर एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से मैंने पूछा, कांग्रेस के खेमे में उस समय क्या चल रहा था? अब ये जजमेंट जब आ गया तो मुझे याद है मैं जगजीवन राम से मिलने गया, बाबू जगजीवन राम, जो वाज द नेक्स्ट। तो मैंने कहा कि बाबू जी अब क्या होगा? कहते अभी कायदे से तो हमने स्टेप डाउन करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो मेरा मतलब, मैंने कहा आप लोग कुछ करेंगे? कहते नहीं, वो किसी में हिम्मत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं करेगा। अगर वो स्टेप डाउन करती है तो फिर आपस में झगड़ा होगा कि कौन हो सकता है, कहता मैं भी। अच्छा, ये कि मिसेस गांधी टू माइंड में थी, एक तो भाई के जजमेंट है, दूसरा कि ये बुरा सा लगेगा मैं नेहरू की बेटी और एक अदालत ने कहा फिर भी नहीं कहूँगा, तो शी वाज। लेकिन अब संजय को जब ये फीलिंग हुआ, उसने कहा कि इस माँ की वीकनेस जानता था, कोई रैलीज वैलीज कराओ, तो उसने आदमियों वालों को इकट्ठा किया। बंसीलाल हुआ करता था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, तो उसको कहा, उसने बसों में वहां से आदमी लाए और कहा कि देश की नेता इंदिरा गांधी नहीं जाने देंगे, इसे रिजाइन नहीं करने देंगे। तो उससे मिसेस गांधी को ये ख्याल हुआ कि लोग तो मुझे चाहते हैं, चाहे मैं जो अब अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं रहूं। इस बीच कानून मंत्री गोखले के पास ये सूचना आई कि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास का माहौल थोड़ा सुधरना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी की ओर से मशहूर वकील नानी पालकी बाला को बुलाया गया। पालकी बाला ने सलाह दी, हाई कोर्ट में ये मामला ढंग से नहीं लड़ा गया, फिर से सारे पेपर्स तैयार किए गए। आखिरकार इंदिरा गांधी की ओर से अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 22 जून 1975। ये वैकेशन जज जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर के सामने आई। इंदिरा गांधी की ओर से पालकी बाला ने बात रखी, राज नारायण की ओर से शांति भूषण अदालत में मौजूद थे। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने टीवी साक्षात्कार में कहा कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई। एक्सीडेंटली आई वाज द वैकेशन जज एट दैट टाइम, हैड गोखले गोखले माय क्लोज फ्रेंड, ही टेलीफोन्ड मी। संयोगवश मैं सुप्रीम कोर्ट में सेशन जज था। गोखले उस वक्त देश के कानून मंत्री थे, मेरे करीबी थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कृष्ण अय्यर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो जवाब मैंने उन्हें दिया उसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। मैंने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ संशय था, वजह साफ थी कि वो मुझ पर दबाव बनाकर स्टे लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो गया है और वो इसके खिलाफ अपील कर स्टे लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपील करें, न कि घर पर मिलें। कृष्ण अय्यर ने पालकी वाला से कहा कि आपको जिरह करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 3 घंटे जिरह के लिए और 1 घंटे जवाब के लिए। अय्यर ने फैसला लिया, अदालत इस मामले पर फैसला सुनाकर ही उठेगी, और हुआ भी यही, कोई लंच ब्रेक नहीं। शाम 5:30 बजे तक अय्यर मामले की सुनवाई पूरी कर चुके थे और उसके बाद मध्य रात्रि तक अय्यर अपने स्टेनोग्राफर को फैसला लिखाते रहे। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक था। उनके फैसले के मुताबिक बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती हैं, बात भी रख सकती थी, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तनख्वाह या भत्ते ले सकती थी, लेकिन बतौर सांसद न तो वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती थी और न ही वोट डाल सकती थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी, लेकिन कुछ रोक के साथ। कृष्णा अय्यर का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से बहुत बुजदिल था। उनको चाहिए था कि या वो इंडोर्स करते उस जजमेंट को जो अलावा की, उन्हें इंडोर्स नहीं किया। उसने कहा कि यही स्टेटस को रहेगा और सिर्फ मिसेस गांधी को यही एक सजा दी कि वो वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट में, बाकी तो सब कुछ। हम उन दिनों में कहा करते थे, माना जाता था बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी स्टैंड अप नहीं किया। अगर स्टैंड अप किया तो उसी सिन्हा ने किया और किसने। जस्टिस अय्यर के फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले और तेज कर दिए। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई। शुरुआत की दिनकर की मशहूर कविता, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आगे गए जिसको रेडियो ने, टेलीविजन ने, कांग्रेस नेताओं ने, उनके कंपार्टमेंट्री बोर्ड ने, सब लोगों ने सारा सामने लाया कि जैसे उसका प्राइम मिनिस्टर रहना
ये सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना है, आवश्यक माना है, कानूनन, और जिसके ऊपर उसने फैसला दिया। जेपी रैली में बोल रहे थे और इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे, हर दिल टूटे तो हर ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो, तौबा कहाँ फिर मानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अभिनेता दे जनता को जो धोखा, क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा, पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका, हर जोर न करना हर शोर न करना, शोर न करना शोर न करना, अपने शहर में शांति है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। छुपाए कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने छुपाए कुछ हम लोग न बोले, अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले, हर भीख न मांगे हर कर्ज न मांगे, भीख न मांगे कर्ज न मांगे, ये अपना हक मांगती है,
पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है अजी अंदर क्या है अजी बाहर क्या है अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ए बाबू मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है पब्लिक समझे कि नहीं दद्दू तू मेरा कद्दू क्या आपके अंदर भी छुपा है ऐसा ही कोई टैलेंट या इससे भी कुछ अलग अरे तो देख इस बात की रेडियो उड़ान पर मौका है ना अपना टैलेंट सबको दिखाने का प्रोग्राम छुपे रुस्तम में अरे कब तक छुपा कर रखेंगे इसे अपने अंदर तो आज ही रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए radioudaan.com/participate प्रोग्राम छुपे रुस्तम हर शुक्रवार रात 8 से 9 सिर्फ रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं सतरंगी सफर आजे विनोद के साथ प्रिय श्रोताओं वक्त नहीं करता किसी का इंतजार आ गया है समय विदा का विदा लेते समय आपसे हम हमेशा की तरह यही निवेदन करेंगे कि रेडियो उड़ान की साइट www.radioudaan.com पर जाकर फीडबैक फॉर्म को करें सेलेक्ट और करें प्रिय कार्यक्रम सतरंगी सफर को और उसके एडिट बॉक्स पे प्रकट करें अपने विचार आपके महत्वपूर्ण विचार हमें हमारी कमियों से कराएंगे अवगत और कर पाएंगे हम आपके अपने कार्यक्रम सतरंगी सफर को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत श्रोताओं हमने आपसे कहा है हमेशा यह कि यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना है जो आप अपने अन्य साथियों अन्य श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य भेजें हमारे मेल आईडी vinodgupta146@gmail.com पर आपकी सूचना उचित होने पर हम अपने कार्यक्रम सतरंगी सफर में अवश्य प्रस्तुत करेंगे मनाना ना भूलिएगा आगामी 21 जून दिन रविवार को योगा डे और अपने शरीर को रखें स्वस्थ हैप्पी योगा डे नमस्कार शुभ रात्रि मधुर गीत के साथ समाप्त करता हूं आपका अपना यह कार्यक्रम जो तूने काटी है
की मीठी बड़ी बुम्बा उफ़ो उला